नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो काफी दिनों बाद ये वीडियो आ रही है और ये क्वेश्चन मैं काफी दिन पहले आपसे पूछ चुका था। तो वैसे कई बच्चों ने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता भी दिया था, मैं इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपके साथ लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले बता दूं कि लास्ट क्लास में हमने ये वाला कंसेप्ट समझा था, मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया था कि भाई ये जो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल होती है हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में पहचानना जरूरी है कि किस तरह से ये आइडेंटिटी बन रही है। मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को पहले सारी चीजों को एक साइड लेके आ जाएंगे, सारी चीजें हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो मैं ये लेके आया, मैंने लिखा टू रेस टू पावर एक्स प्लस थ्री रेस टू पावर एक्स माइनस फोर रेस टू पावर एक्स प्लस सिक्स रेस टू पावर एक्स माइनस नाइन रेस टू पावर एक्स माइनस का वन इक्वल टू जीरो। अब मैंने देखा ये स्क्वायर टर्म है, ये भी स्क्वायर टर्म है और ये भी, ये तो कुछ भी हो सकती है, स्क्वायर क्यूब वगैरह कुछ भी, वन के साथ तो जैसे सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग उसकी एक्सपोनेंट लगा दो, पावर लगा दो। तो हमने देखा ये वाली टर्म हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो मैंने सारे में से नेगेटिव कॉमन ले लिया और मैं वन बाय वन लिख रहा हूं। मैंने जब नेगेटिव कॉमन लिया तो ये टर्म होगी पॉजिटिव की, फोर रेस टू पावर एक्स ये भी हो गई पॉजिटिव, नाइन रेस टू पावर एक्स और ये भी हो गई प्लस वन, ये हो गई हम मेरी नेगेटिव टू रेस टू पावर एक्स, ये हो गई थ्री रेस टू पावर एक्स और ये हो गया माइनस सिक्स रेस टू पावर एक्स इक्वल टू जीरो। अब जरा ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूं टू एक्स का स्क्वायर, ये थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। अब जरा कंपेयर करो पिछले वाले फॉर्मूले से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये बना माइनस ए बी टू रेस टू पावर एक्स इंटू वन माइनस थ्री रेस टू पावर एक्स इंटू वन और ये वाला टू रेस टू पावर एक्स इंटू थ्री रेस टू पावर एक्स इक्वल टू जीरो। अब जरा कंपेयर करो, जरा ध्यान से सुनो, ये यही हो गया ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू जीरो, है ना? तो वो किसके इक्वल होता था, हाफ टू रेस टू पावर एक्स माइनस थ्री रेस टू पावर एक्स का स्क्वायर प्लस टू रेस टू पावर एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री रेस टू पावर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके, जीरो के। अब ये सारी टर्म जीरो के, ये जो टोटल है ये जीरो के इक्वल है और ये सारी स्क्वायर में टर्म है, तो एक ही बात हो सकती है कि इंडिविजुअल ये वाली टर्म इक्वल टू जीरो है, ये वाली टर्म इक्वल टू जीरो है और ये वाली टर्म इक्वल टू जीरो है। तो वन बाय वन में सारी टर्म को इक्वल टू जीरो रख रहा हूं, इसी पेज में कर देता हूं थोड़ा सा स्पेस बना के आप, ठीक है? तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा कि एक ही केस हो सकता है कि जब ये जीरो के इक्वल है, ये इंडिविजुअल ये भी इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू जीरो और इक्वल टू जीरो, टू रेस टू पावर एक्स माइनस थ्री रेस टू पावर एक्स का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, स्क्वायर उधर गया अंडर रूट ऑफ जीरो है जीरो, टू रेस टू पावर एक्स माइनस थ्री रेस टू पावर एक्स इक्वल टू जीरो, टू रेस टू पावर एक्स इक्वल टू थ्री रेस टू पावर एक्स, ओके। नाउ ये वाला टू रेस टू पावर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, टू रेस टू पावर एक्स इक्वल टू वन, इसी तरह से थ्री रेस टू पावर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो और थ्री रेस टू पावर एक्स इक्वल टू वन, टू रेस टू पावर एक्स ये वन कैसे होगा, टू रेस टू पावर जीरो बेस सेम है तो पावर्स इक्वल होंगी, एक्स इक्वल टू जीरो, थ्री रेस टू पावर एक्स इक्वल टू टू, इसको लिख सकता हूं मैं थ्री रेस टू पावर जीरो, यहां से भी एक्स क्या आ गया जीरो और बेस डिफरेंट है फिर भी ये इक्वल है, तो इसका मतलब एक ही केस हो सकता है, ये एक्सपोनेंट इक्वल है, इक्वल भी किसके है जीरो के इक्वल है, अदरवाइज अगर बेस डिफरेंट डिफरेंट है एक्सपोनेंट मतलब ये जो x है इक्वल टू तभी हो सकता है जब x इक्वल टू क्या हो आपका जीरो के इक्वल हो। तो तीनों केस में x की वैल्यू क्या आई है जीरो, तो कितनी फाइंड ऑल रियल वैल्यूज हमने निकाली, एक ही रियल वैल्यू विच इज इक्वल टू जीरो। कल ऐसे पूछ लेगा कि हाउ मेनी रियल वैल्यूज विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तो आंसर आएगा वन क्योंकि एक ही रियल वैल्यू है, और अगर पूछ ले कि कौन सी रियल वैल्यू है वो, तो वो रियल वैल्यू कौन सी है हमारी जीरो। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।